तो आज आज से हम बात करने वाले हैं शिवगंगा एक्सप्रेस के बारे में। जैसे कि आपको बता दें कि शिवगंगा की जो एक्सप्रेस है ना ये बन तो है। इस आज के वीडियो में बात करना है शिवगंगा एक्सप्रेस के बारे में, जो कि चलती है बनारस से लेके नई दिल्ली के लिए है। तो वीडियो में पूरा एंटर रहिएगा ताकि पूरा डिटेल्स के साथ कवर करते हैं, जैसे कौन सा स्टेशन आता है और इसका कितने स्टॉप है। तो सबसे पहले बात कर लेते जो कोच की, तो यकी सबसे पहले बात कर ले इनके कोच के बारे में। तो कोच जो है हमारा है S1 में है। तो यहाँ से देख सकते हो कि ये जो ट्रेन पूरी तरह प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। अभी हमारे कोच के बाजू में ही इनका जो है रसोईयान यानी जो खाना बनाने वाला कोच होता है, तो ऑलमोस्ट मतलब हम लोग के लिए बेटर ये है। तो चलिए हम आपको इसका बैग लुक दिखाते हैं पहले। तो अगर बैग लुक की बात करें तो सिंपल से देख सकते हैं कि ये ट्रेन मतलब काफ़ी लंबी है भाई साहब। इसमें टोटल 17 कोच अवेलेबल है, यानी 17 डिब्बे की कोच है इसमें। एंड बात करें तो देख सकते हैं S1 में हमारी सीट है 80 नंबर। और यहाँ पे बात करें तो लगभग ट्रेन प्लेटफॉर्म पे 1 घंटे पहले आके लग जाती है। यानी अगर आप इसकी टाइमिंग की बात करें तो 10:15 की टाइमिंग है, लेकिन ऑलमोस्ट 9 बजे ये ट्रेन है प्लेटफॉर्म पे लग जाती है। उसके बाद आपको टोटल 1 घंटे ट्रेन के अंदर बैठ के मज़े करने पड़ते हैं। तो चलिए मैं इनके कुछ इनके जो हैं कोचे के बारे में आपको दिखाता हूँ। सिंपल से सबसे पहले अपना कोच छोड़ के दूसरी कोच दिखाता हूँ, क्योंकि अपने कोच में जो है हमने सब चेक कर लिया है तो काफ़ी अच्छा खासा था। तो हम आपको इसका जो सेकंड कोच है S2 के बारे में दिखाते हैं, क्योंकि अभी तो आते समय तो अपने जो कोच का है पूरा रिव्यू तो देंगे ही आपको हमेशा के लिए। तो सिंपल से चलिए मैं आपको लाइव दिखाते हैं कि इनकी जो है सर्विस कैसे। देखिए S1 में हमने एंट्री कर लिया है। एंड बात करें तो एक मिनट तो सिंपल से देख सकते हो कि काफ़ी मतलब पानी यहाँ पे गिरा हुआ है आने जाने के रास्ते में। एंड बात करें तो पूरी उसी में फैल चुकी है। ना बस से कंफर्टेबल भाई, बात करें तो देख सकते हो यार मतलब क्लीन के मामले में तो थोड़ा सा अच्छा ही दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो बस थोड़ा सा पानी गिर गया, मतलब क्लीन होके आए थे टाइम पे या फिर आने बाद। बाकी मतलब क्लियरिटी तो देख के समझ में आ जा रहा होगा, क्योंकि जब कांच पे इतना क्लीन है कि भाई बैग से आप देख सकते हो। तो मतलब ऑलमोस्ट सभी बोगी का यही हाल है, मतलब जहाँ पे स्टार्टिंग में बोगी का अटैच होती है ना वहाँ पे आपको सिर्फ मतलब पानी देखने को मिल जाता है, बाकी लगभग सब जगह सेम ही है। तो बात कर रहे हैं अगर इसकी टोटल मतलब स्लीपर की बात करें तो इसमें टोटल 7 बोगी है स्लीपर की एंड 6 जनरल की जोड़ दिया गया है, जिनमें 3 आगे रहेगा 3 पीछे रहता है। एंड बात करें एसी की तो इसमें 3rd AC के जो है 3 टेयर हैं। एंड बात करें इसके जो एसी की कोच की तो उसमें 3rd AC में आपको टोटल 3 बोगी मिल जाती है एंड 2nd क्लास AC में आपको टोटल 2 मतलब कोच मिल जाता है एंड 1 इंजन तो रहते ही है। तो ऑलमोस्ट टोटल वही मिलेगा। बट बात करें इनकी स्टॉपेज के बारे में तो आपको साइड में दिख जाएगा कि और इन बात करें अगर इनके स्टॉपेज के बारे में तो आपको साइड में दिख जाएगा कि कितनी जगह ये ट्रेन है जो कि पूरी तरह रुकती है। तो इनका स्टॉपेज देख सकते हैं एंड हम कोशिश करेंगे कि आपको सभी स्टॉपेज जो है कवर करके दें कि कितने घंटे में कौन से स्टॉप पे ये ट्रेन पहुँचती है। तो उसके लिए पूरा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो रेडी रहिएगा आपको मस्त मस्त ब्लॉग के साथ। तो फिलहाल में हमारा जो कोच है ये है। चलिए हम थोड़ा आपको इसमें एसी का भी कुछ लुक दिखा देते हैं कि एसी कोच की क्या हालत रहती है इसमें। एंड बात करें इसके एसी कोच की तो सिंपल से देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं एसी कोच के पास में। एंड ये यहाँ पे हम थोड़ा इनके जैसे एंट्री करते हैं। एसी कोच की बात करें तो सिंपल से देख सकते हो ये भी ऑलमोस्ट अच्छा खासा क्लीन ही है और इधर तो आपको लाइट पैनल मिल जाएगा, उससे मतलब नहीं है। और आपको सिंपल से काफी जुड़ाव हो गया था ना, काफी टाइम से थे। एक मिनट भैया, 11-10 साल हो गए ना। एक मिनट हाँ जी, वो सिंपल सिंपल से भाई देख ही सकते हो जो क्लीनिटी की बात में। तो सिंपल से देख सकते हो जो कि एसी कोच के जो क्लीन की बात करें तो अच्छी खासा है, मतलब कुछ खास तो नहीं बता सकते पर हाँ भाई सब क्लीन तो है। मतलब और एसी की बात ही यार अलग है कुछ इसमें। अगर इसमें देखो आपके मतलब एसी में जब भी आप जाओगे ना, मतलब ठंडी के टाइम में आपको गर्मी मिल जाएगी, गर्मी के टाइम में आपको ठंडी मिलती है, मतलब
मौसम आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि आप ट्रेन में ट्रेवल करो। और स्लीपर की बात करें तो भाई साहब, अगर आपको ट्रेन स्टार्ट होते हैं ना विदाउट कम्बल के तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते। एसी में तो ऐसे भी आपको कम्बल की सर्विस मिल जाती है कि आपको कम्बल मिलता रहता है। तो फिलहाल में ये जो है इनका रसोईयान है, तो इसकी तो बात ही अलग करो क्योंकि इसमें गेट ही नहीं होता, इसमें सिर्फ एक ही सिंगल गेट होता है, बस एंट्री करो बस बाकी मजे लो। और बात करें जो स्टेशन की मतलब क्लीनिंग की, भाई साहब स्टेशन की क्लीनिंग भी अच्छी खासी है। तो अगर देखो तो यहाँ पे पूरा क्लीन है, देख सकते हो इनके जो कांच है पूरी एकदम चमचम चमचम चमक रहे हैं। तो अच्छे खासे से पता चल जा रहा है कि क्लैरिटी की कैसी होने वाली है। और अगर आप बात करें इसके जो टाइल्स के बारे में, तो सिंपल से देख सकते हो एकदम क्लीन है। और थोड़ा इनकी बात करें मेन जो इनके भाई साहब क्लाउड के बारे में, तो कोविड के सिचुएशन में ये जो है क्लाउड थोड़ा कम हो चुका है, नहीं तो आपको इतनी ज़्यादा पब्लिक देखने को यहाँ पे मिलती है ना कि पूछिए मत। अभी एक घंटे बाद वापस एक ट्रेन चलने वाली है इस प्लेटफॉर्म से, तो वो जो है 10 आपको ऑलमोस्ट 11:15 पर चलेगी सेम रूट के लिए सेम जगह, वो भी मड़ुआडी से आपको नई दिल्ली ही लेके जाएगी। बट उसका जो टाइमिंग होता है ऑलमोस्ट 12 घंटे रहती है, और शिवगंगा आपको टोटल 10 घंटे या 15 मिनट में समथिंग वहाँ पर ड्रॉप कर देती है। एंड बात करें तो यहाँ पर अंदर देख सकते हो मतलब यात्री प्रतीक्षालय में यहाँ पे पे एंड यूज़ सर्विस है, सब लोग पे एंड यूज़ कर रहे हैं। बात करें यहाँ की लुक की, तो आप सिंपल से देख सकते हो जो कि ये यहाँ पे टिकट काउंटर है वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, टिकट काउंटर स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाते हैं। एंड देख सकते हो जो कि अभी टिकट काउंटर में उतनी ज़्यादा भीड़ तो है नहीं। एंड बात करें कि भाई साहब इधर की लुक की ना, तो यार देख सकते हो यहाँ पे आपको एक पैलेस मिल जाएगा जहाँ पे आप जाके बहुत सारे लोग क्या करते हैं फ़ोटो खिंचाते रहते हैं। तो यहाँ पे मतलब फ़ोटो खिंचाने के लिए अच्छी अच्छी प्लेस मतलब मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आप देख सकते हो। एंड बाकी काफ़ी सा अच्छा हो, बाकी जो है आप देख ही सकते हो यार ऑलमोस्ट मतलब क्या ही होता है आपको। तो रुकिए हम इनको यहीं से जूम की करके दिखाते हैं कि अगर अगर आप पीछे होता है ना तो कितना अच्छा है, मतलब आप उनको समझ ही सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा है, आपको लुक मिल जाएगा देखने को। एंड बात करें तो भाई साहब यहाँ पे आपको मतलब मास्क कंपलसरी है, लेकिन अब जो है रूल्स के तो खिलाफ ही चल रहे हैं, तो हमने फिलहाल में मास्क निकाल दिया है। पर भाई साहब अपना इस कोविड की सिचुएशन में अपना जो है मास्क है कंटिन्यू पहन के चलिए, नहीं तो भाई कभी भी आपके खिलाफ चालान कट सकता है, मतलब अब आपका कभी भी फाइन कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिलहाल में हम चलते हैं जो कि ट्रेन की है अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो फिलहाल में मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज पे और नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल में मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे आपको नेक्स्ट टॉपिक पे, तो फिलहाल में रेडी रहिएगा। तो गाइस जैसे कि फाइनली ट्रेन जो है मतलब स्टार्ट हो चुकी है चलने के लिए, तो वार्निंग तो आ चुका है बस अभी चली नहीं है, तो हम आपको अभी दिखाते हैं इसका जो रनवे टाइम। गाइस जैसे कि इसका अभी जो रनवे टाइमिंग स्टार्ट हो गया, यानी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। एंड अभी आप देख सकते हो कि भाई इनका जो आउट टाइम है स्टार्ट हो चुका है। तो जय भोलेनाथ भैया, कैमरा चला रहे हो क्या? हाँ काहे लिए कि यादें बना रहे हो? यूट्यूब पे डालना है, याद नहीं, याद तो बहुत बना लिए भैया। भैया अरे देखो एक से एक आगे का चेहरा किया जाता है, उल्टे कूद रहे हैं क्या बताएं। तो भाई साहब देखिए लाइटिंग मार रहे हैं गार्ड साहब, चलो धन्यवाद। देखिए फाइनली ट्रेन चल चुकी है एंड यार आप देख ही सकते हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज से और देखते हैं कि ट्रेन क्या मतलब कितने टाइम पे होती है और टाइमली पहुंचती है कि नहीं, क्योंकि ठंडी का समय आपको पता है कोहरा घेरा रहता है, तो कोहरे के टाइम पे ट्रेन कितने टाइम ऑन टाइम पहुंचती है वो देखेंगे हम लोग। तो भाई साहब ट्रेन की हम अगर कभी भी वीडियो शूट करते हो ना तो गेट पे तो नहीं जाने का, क्योंकि जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस रहता है गेट पे जाने से मोबाइल चोरी हो जाता है। तो चलिए हमारा जो सीट है वो ऊपर की तरफ है, तो हम चलते अपने सीट पर वेट करते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज का। जो है कि हम अपने आ गए हैं सीट पे, खाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं पराठा है सब्जी हमारा रेडी है, देखते हैं। तो ऐसा है कि अपना खाना वाना हो गया है, अभी हम लोग वेट करते हैं नेक्स्ट स्टेशन का, तब तक के लिए देखते हैं और दिखाइए हम। तो वैसे खाना वाना तो हो गया हमारा, अब वेट करते हैं नेक्स्ट स्टेशन का, जब तक आता है तब तक अपनी तैयारी बना लेते हैं, क्योंकि देख सकते हैं ऑलमोस्ट सब लोग सो गए हैं, देख सकते हो सिंपल सब लोग सो गए हैं, हम भी अपनी तैयारी बना लिए हैं। तो हमारा ये कंबल रहा, और ये तो आपको पहले देखिए रिक्वायरमेंट देते हो, अगर आप ठंडी में कहीं ट्रेवल कर रहे हो ना तो भाई साहब अपने लिए कंबल उम्बल ले कर चलना,
क्योंकि कोई भरोसा नहीं है रेलवे का, कभी भी ठंडी बढ़ सकती है। फाइनली तो फाइनली मॉर्निंग हो चुका है भाई साहब, ठंडे थे कि नींद लग गई। वहाँ पे देख सकते हो मतलब बंदा सिग्नल दे रहा है, इधर से ट्रेन वहाँ सिग्नल दे रही है। कालिका मेला भी ये प्लेटफॉर्म पे तो रुकने वाली है नहीं, तो ये खुजा जंक्शन भाई साहब रुकने वाली तो है नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों स्लो चल रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन जो है 1 घंटे डिले है, तो उसके हिसाब से तो भाई कंटिन्यू चलना चाहिए, लेकिन सिग्नल नहीं है। वहाँ पे देख सकते हो रेट चल रहा है सामने, अगर जूम करूँ तो जूम करने के बाद देख ही सकता है आप लोग को कि यहाँ पर रेड सिग्नल है, तो कोई मतलब रुकने की चांसेस नहीं है, फिर भी क्या कर सकते हैं। बंदर जा रहा है पैसेंजर से कुछ खाने का सामान लेके, ऑलमोस्ट ये देखो ये एक तो ट्रेन पे चढ़ गया है। हो गई भाई साहब सिग्नल हो गई हमारी, बस अब प्लेटफॉर्म पे गाड़ी पहुंच चुकी है गाजियाबाद, जबकि यहाँ पर तो रुकने वाली है नहीं, देख सकते हैं फिर भी, क्योंकि यहाँ पे इसका स्टॉपेज नहीं है, बट डिले की वजह से शायद स्टॉप हो सकती है, लेकिन वैसे भी चांसेस बहुत मतलब ना के बराबर ही रहे उसमें, क्योंकि देख सकते हैं अभी भी आपने थोड़ी देर पहले ही रखा, जितने भी पैसेंजर थे गाजियाबाद के पहले उतर गए, उनको पता था गाजियाबाद उतरने वाली है नहीं। तो जैसे कि उनको पता ही था कि गाजियाबाद रुकने वाली है नहीं, तो वो लोग उतर गए, अभी बाकी देख लेते हैं। वैसे भी ट्रेन में जिस तरह से ट्रेन जा रही है लगता नहीं है कि स्लो होगा, क्योंकि ये स्लो तो है, लेकिन
भाई हारन कंटिन्यू देते जा रही है, तो बता नहीं सकते कुछ और भी है भाई साहब रेलवे है, इनके बारे में तो पैसा भी कुछ नहीं बता सकते कि कब रुकेंगे कब नहीं। तो फिलहाल में देख लेते, कंटिन्यू हारन प्रयास कर रही है, तो वैसे भी रुकने वाला नहीं क्योंकि ये जो ट्रेन है अलग पटरी पर आ चुकी है देख सकते हो, क्योंकि अगर सीधा जाती तभी जाके स्टेशन पर रुकती, ये साइड से निकाल रही है। गाजियाबाद स्टेशन तो आ गया है पर बता नहीं सकते रुकने वाली है कि नहीं। एक जो पैसेंजर जो बचे हुए थे वो लोग तो कूद कूद के उतर रहे हैं देख सकते हो, पैसेंजर और मतलब साथ ही साथ ही चाय बेचने वाले, लेकिन श्योर नहीं है। और यहाँ के जो है कि लोकल देख ही सकते हो, लोकल सामने लगी हुई है नई दिल्ली तक, तो वेट कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हो पुरानी दिल्ली टू पुरानी दिल्ली जंक्शन की लोकल लगी हुई है सामने, जो पुरानी दिल्ली जाएगी भाई उसके में दिक्कत ये है फोन को भी बचा के रखना पड़ता है, अगर बचा के नहीं रखोगे ना तो कोई गारंटी कम वो चोरी हो जाए। तो फिलहाल में चढ़ने वाले भी चढ़ रहे हैं और उतरने वाले तो उतर ही रहे हैं, और वो भाई साहब को देख रहे लोकल के सामने सामने लोकल लगी हुई है। एंड देख सकते हो जो कि ट्रेन की जो ड्राइवर टाइम है 8:30 में तो गाजियाबाद पहुँचानी चाहिए, दिल्ली पहुँचानी चाहिए, लेकिन ये तो अभी तक गाजियाबाद ही है, यहाँ से आने 20 मिनट के ऊपर जाएगा टाइम। तो फाइनली एक दो लोग हैं उसमें चढ़ रहे हैं, और ये ट्रेन जो है पूरी तरह से नॉन स्टॉप है गाजियाबाद में, तो मतलब रुकते नहीं रही है, हका स्लो होकर चल रही है। जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे 15 मिनट लेट आई है, तो देखते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या फासल उतर रहा है ये खाने के सामान साथ साथ भाई साहब जी मूड में है, तो हट जा भैया फ्रिजवा के नीचे में ना पता ना। तो सिंपल से देखते हैं जो कि स्टेशन आ चुका है नई दिल्ली, एंड हम लोग की जो गाड़ी है बहुत आगे जाएगी, तो हम लोग वेट कर लेते हैं तब तक यहाँ पे वेट करते हैं टीटी साहब कहाँ पे, क्योंकि टीटी भी आने वाले हैं नई दिल्ली से, सामने लगी है नई दिल्ली से। देखो तो टीटी साहब लोग आ गए हैं, टीटी ये लोग पता है ये तो वैसे जाएंगे, बाकी तो भाई उनका पूछो मत, वो आउटर में जाएंगे और या तो लास्ट में जाएंगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। कुछ तो क्या करें मोबाइल लेके तुम्हारी योगा क्लास ऑनलाइन दौड़ रही साल तू लेके करवा के टीटी मां जेब हम बड़का इतना बड़ा लटका लई ये महीना का जो रिचार्ज करावा कहां से आई टाउन में सही यहां से बिल्डिंग दिखेगी ना मशीन दिखेगी ना कौन सा 3M पूरा ऊपर से दिखी ऊपर से पूरा ऊपर से गोले बलन भाग के तोड़ते हुए
ऊपर कहीं ठंडी लगा था, ऊपर ठंडी लगा था मेरे को लग रही। अरे लगा था वो ना लगा था। तो गाइस ये लोग सवेर कर रहे कहाँ का, BSF कैंप में। ये इधर चोरी करने वाला रास्ता है विजय ना पब्लिक है। चचा प्रधान है क्या उसकी? उनका पेन ले जा उतर सकते हैं, उतरे कई बार। ये पीछे आ गए थे, कहाँ रहा है वरदान? उस साइड चले। तो भाई साहब देख सकते हो, एक कोई दिखाते हैं, एक तरफ मूर्ति देखो, फोटो अच्छी आएगी ना यहाँ पे। देखो नीचे दिख रहा होगा शंकर भगवान, कोहरे की वजह से दिख नहीं रहे हैं। तो ऑलमोस्ट देख सकते हो बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है। लॉक कर रहे थे, हाँ हम गए अपलोड कर देते हैं सेकंड वाले चैनल पे। उसके 2000 सब्सक्राइबर हो गए तो कहीं प्रमोशन टाइम कर लेते हैं उसको। क्लियर CMO दिल्ली का मैसेज आ गया है यार। अरे वो लोकेशन आप कौन हुआ करें एक बार भी? हाँ होगा, ध्यान नहीं दिया मैं। कैमरा चालू है भगवान जी को नजदीक थे तो काफी एकदम खंडहर एरिया है, लेकिन किस लिए बढ़िया है बोलू ना, उनके लिए घूमने के लिए। हाँ अरे बारिश हो रही है, थोड़ी दिक्कत हुई ना से, नहीं तो हम भैया से फटाफट कूद 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 उतर जाते हैं। ऐसा भाई अगर दिल्ली उल्ली आओगे ना, मतलब हरियाणा आने के बाद और उसके बाद गुरुग्राम सिटी में आ जाना, फिर भोरसी में आना, फिर BSF कैंप के अंदर आ जाना Gate No. 3 से। उसके बाद देखो तुम्हें जितना ऊपर चढ़ोगे उतना नीचे भी ऑप्शन है। भुवनेश्वरी देवी मंदिर, हाँ भुवनेश्वरी देवी मंदिर के पास आना, जितना ऊपर चढ़ोगे ना उतना ज़्यादा नीचे आओगे। उसका कहावत सुनी है ना कि जितना जल्दी ऊपर जाओगे उतना जल्दी नीचे आओगे। बस देख लो कैसे उतरा जा रहा है यहाँ पे, जितनी जल्दी नीचे आओगे ऊपर जाओगे। नहीं तो ऐसे ही फिर रिटर्न आने के टाइम पे ऊपर जाके चढ़ना पड़ेगा। चलो काफ़ी अच्छा खासा है यहाँ पे, दो रास्ते थे ना हम लोग, लेफ्ट आ गए राइट रास्ता था ना, ये नहीं आता। चलो ना ये था कहो बिछला रहे हो तो क्या, रास्ता चेंज हो गया, इधर से जाओ इधर से साइड से। अरे इधर ये कृष्ण भगवान भी है यहाँ पड़े पे यार, तो चलो भैया जी ऐसे ऐसे चलते रहे और देख सकते हो काफ़ी नीचे जाने का है। तो फिलहाल में इतना ही है, उसके बाद सीधा ऊपर दिखाएंगे, ऊपर दिखी सीट दिखाएंगे आपको। उधर सामने पार्किंग है, पार्किंग है, प्रधान पार्किंग आ रहे हैं। हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, आराम आराम से चलिए। देख तो भाई साहब जूते की पकड़ मजबूत बनाए, जूता ब्रांडेड है। देख भाई कम से कम 100 मीटर के ऊपर से तो आए ही, और इधर देख सकते हो कृष्ण भवन खड़े हैं, और सब मंदिर पे कृष्ण भवन है क्या, उधर भी है। और इधर देख सकते हो भैया साहब मोड़ ओड़ पड़े हुए हैं। मिस इंडिया मिस यूनिवर्स कहाँ चले गए, सगड़ी चलाना फ्री है यहाँ पे, लेकिन उसका पैडल नहीं है। सब इधर है स्विमिंग पूल है, देख सकते हो बाबा जी स्विमिंग पूल के अंदर रहते हैं, इधर नहा सकते हो। और बाकी कहाँ नाम भोरसी में, भोरसी में आने के बाद इधर BSF कैंप में जरूर आना एक बार घूमने के लिए। गोली, गोली तो आपका गोलियों से धुआंधार स्वागत होगा, उसके बाद भेजा जाएगा
भुवनेश्वरी मंदिर। और भी कंटिन्यू देखते रहिए, अभी आपको लेके चलते उसको कॉर्नर पे। बहुत जगह बोला रहता है भाई से मंदिर में फोटो लेना सख्त मना है, लेकिन सब भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तो सर हम लाइव दिखा रहे हैं भाई साहब, आप लोग आप लोग को रिक्स के लिए तूल में लिख ला तालमेल बिठा रहे हैं। अच्छा ये देखो भाई साहब, ये इधर देखो, ये समुद्री इलाका है, इधर से अगर बहोगे तो सीधा BSM कैंप में गिरोगे। कुछ भी कर सकते हो, सब पब्लिक है यहाँ पे। देखो हवन कुंड होता है, अगर तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रहा तो आके यहाँ पे बैठ जाए। अगर आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रहा तो इधर आके बैठ जाइए, मिल जाएगा। घंटा बज गया, घंटा बजा था। तो देखो यहाँ से एक्चुअली में हुआ यूँ था कि श्री राम जी ऐसे ऐसे गए थे, यही है उनका वनवास यहीं पे था। जब हम बल्ला का दिक्कत सेटल करते ही एक स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। ओके ये लोग ऊपर से यार देखो, आपको यहाँ चढ़ना पड़ेगा ऊपर, फिर हम घूम के वहाँ जाएंगे फोटो लेके आएंगे। ठीक है ये पकड़ो। तो भाई साहब ऐसा है, सबसे बड़ा हम आपको लाइव रिव्यू दिखाने वाले हैं, इधर को पब्लिक रिव्यू ना चला था चालू है मतलब का। तो ऐसा है रिव्यू दोबारा देता लाइव का बोल पैसे को फिर करा है व्हाट व्हाट दोबारा मैंने क्या बताया है तो भैया साहब ऐसा है लाइव रिव्यू देख सकते हो वहां पे, दो कैरेक्टर बोल रहा है फोटो फोटो देखो जी अपनी खड़े हैं वहां पर अपनी कौन से भगवान थे वहां है अपनी शंकर भगवान। तो अभी हम ऐसे शंकर भगवान के पास जाके फोटो खींचने वाले हैं, आइए दिखाते हैं हमको। उधर देखो सड़ भी रास्ते, लेकिन उधर ज़्यादा अंदर नहीं है, हम उस सड़ जाएंगे ना घूमेंगे जहाँ से हम लोग चढ़े थे ना उधर से। इसको चालू करो कैमरा, देखो अंदर रूम है अंदर, ये गुफा वाला था भाई साहब, इसको थोड़ा जूम करोगे दिखाएगा कि कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरा है। तो देखो इसमें गुफा की तरफ जा रहे हैं, बाजू में भगवान भी है, गाय टोंडे बनने जा रहे हैं भगवान से भी ऊपर। भगवान जी से आशीर्वाद लेके आएंगे आप लोग के लिए। ये डमरू दिख रहा है, देख भाई साहब इसे ना हमने रखे जो है देख लो। तो भाई साहब ऐसा है आपको लाइव रिव्यू दिखाया करें, इधर पानी भरा जाता है क्या? हाँ यहाँ से तब नीचे तो जाके खींचे पड़ी फोटो, तब वो करो ओके करो चला निकल जाए। देखो हम लोग वहाँ खड़े थे, वहाँ से आए हैं तो सिंपल देख सकते हो। अभी हम थोड़ी देर पहले ही उस पहाड़ पे थे जहाँ पे दो लवंडे दिख रहे हैं, गांजा एंड गांजा फूक रहे हैं। और अभी हम लोग भाई आ चुके हैं, बस थोड़ा सा रिस्क से बचना रहेगा, उधर देखो पानी वानी है। हाँ देखा तो यहाँ हनुमान जी के पास आ गए हैं, ये इधर तो भाई से भैया बच्चा बच्चा के यहाँ तक तो आ गए, देख सकते हो शंकर भगवान है और वो हमारे साथ पार्टनर है गोलू पहलवान। एक मोबाइल तो एकदम करीब से आ गए हैं शंकर भगवान के, तो बैठना देखो भाई साहब, ऐसा है कुछ अराजक तत्वों ने मूर्ति की जो है ये तोड़ दिया है, तो बता नहीं सकते, बाकी काफ़ी अच्छी खासी है। तो देखो जैसा है कि अभी आपने देख लिया है, साइड में आपको फोटो मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था भाई साहब। और अभी इसके बाद अभी हम लोग उतरते हैं, देख सकते हो कितना ज़्यादा रिस्क लेके चढ़ा था नीचे, देख लो ये तो अभी कुछ नहीं है, और नीचे उतरने का है जहाँ पे भैया जी बच्चा ये। और दूसरी बात, मैं तो खुद जा रहा हूँ, पर ये रिक्वायरमेंट दूंगा भाई साहब आप लोग खुद ना मत, क्योंकि यहाँ पे ना 90% जर्जर हो चुकी है, तो कूदते ही ऐसा ना हो कि आप अंदर चले जाओ, इसलिए आराम आराम से उतरने का। तो देख सकते हो कि इनके जगह जगह होल बने हुए हैं, पहले गुफे रहते थे अंदर एंट्री होने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों बंद कर लगे हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको नज़ारा? एंड बाकी तो देख ही सकते हो, अभी हम चल रहे हैं जहाँ पे हमारे मतलब दोस्त से, अभी देख सकते हो ये हम जो है इसी के ऊपर चढ़े थे, मतलब बाहर से तो काफ़ी अच्छा खासा है। एंड देख सकते हो अभी आपको खुद ही याद होगा शंकर जी दिख रहे हैं, तो यहीं पे हम गए थे। तो बाकी अच्छी खासे जो है एरिया है, काफ़ी अच्छा खासा है। एंड भाई चल तो रहे हैं हम लोग, और देखो उधर भगवान परशुराम जी है आशीर्वाद ले रहे हैं शंकर जी के, तो देख ही सकते हो।
एंड बाकी अभी ऑफिस हम लोग जिधर आए थे उधर जाने वाले केहू कभी ना आराम आराम से वन बाई वन कहीं चलिए। अरे वो गधा भी है भाई साहब देख लेने का, इधर आदमी भी है गधा भी है। बाहर जाने का रास्ता अभी सब बंद हो गया होगा ना, देखो बंद कर रखा था पहले गिर तो जंगल भाई साहब। इधर 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 आपको मिल जाएगा सही, बहुत अच्छा हुआ है देखो ये सब बना रखा है ना। ये देखो इधर से बत्तख क्या जो है अंडा के चक्कर में सब बत्तख को फोड़ दिए सोने का अंडा निकालने के चक्कर। वो सब छोड़िए, ये बता रहे हैं यहाँ आपको शेर, देखो देखो यहाँ पर आपको शेर भी देखने को मिलता है, इसलिए ये तोड़ के फेंक दिया गया। इसमें देखो कुछ है नहीं बीच बीच में, अगर आपको जाना रहेगा तो भैया बच के जाना, बंदूक बंदूक लेके आना, शेर खा जाएगा। नहीं कब अटक हो जाएगा गारंटी नहीं है, बाद में मर के ना बताया नहीं है। मरने के बाद बोलोगे मैसेज करोगे क्या करोगे। बाकी हम लोग पहुँच गए हैं नीचे, ये वही जंगल है ना, ये दूसरा ना। अरे वो नीचे वहाँ वो मिला ना, ये नहीं मिला वहाँ पे, हम यहाँ आए कहाँ पर। एक मिनट भाई साहब, गुड बाय। जैसे पेड़ वेड़ देख सकते हो एंड इसके बाद इधर आने का चेक पोस्ट में देख सकते हो अच्छा खासा है। यहाँ पे नॉइज कैंसलेशन एकदम जीरो बराबर है, मतलब क्या बताएं आपको, एकदम एक नंबर का दिख रहा है। तो भाई साहब बाकी सब सही है, यहाँ पे देखो बाकी सब माल फूक रहे हैं। ये कौन मछली है, ये मारुति कुंज है, वो अगर उंगली है तो सब कथा तो पानी पीने का सिस्टम हुआ है ना यहाँ, तैरने वाले निकले होते कुछ नहीं, वो जब डूबेगा तब निकलेगा बताएगा, अभी वो शांत है। तो देखो भाई साहब जैसा है, ये गाइड करने के लिए 150 रुपया लिए हैं गोलू से यादव, ये तुमको पूरा एरिया घुमाएंगे, 150 रुपया हम लेंगे बस खाली, अब बता देना। और थोड़ा बॉन बीटा वटा मतलब ताकत वाली भी चीज़ खा के आना, क्योंकि पैदल दौड़ाएंगे। एरिया का नॉलेज गोलू यादव को बहुत है, साथ साथ ये पहलवान भी है, मतलब अगर कोई हमला होता तो बचा सकते हैं आपको। है कि रिव्यू तो काफ़ी अच्छा खासा हो गया है, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अभी तो ब्लॉग एंड नहीं होने वाला क्योंकि अभी आगे भी बहुत सारा है। आपको यहाँ पता है नज़दीक में एक BSF कैंप देखने को मिल जाएगा, यानी यहाँ पे ट्रेनिंग होती रहती है, कभी भी आएंगे ना फाइटिंग की आवाज़ सुनने को मिल जाएगा, तो डरने वरने का नहीं है। और ये देख सकते हो फिलहाल में आ चुकी है जो टर्निंग है, वहाँ पे दुर्गा माता जी का छोटा सा फोटो रखा हुआ है, एंड इसके बाद यहाँ से निकल गए बाहर। तो सम्मी देखो पहुँच गया इधर, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, बाकी सब कर सकते हो, मतलब सिर्फ गाड़ी खड़ी करना मना है। और इसे पेड़ पे भी लिखा है नो पार्किंग, एंड मैसेज तो आ रहा है पता नहीं क्यों, इसे किस चीज़ का मैसेज, गूगल फॉर्म किसी चीज़ का होगा, मीटिंग सेटिंग का, टेंशन नहीं लेगा। देखो भैया आपको बता दें जहाँ पे आप घूमने आए ना, ये है मंदिर है भुवनेश्वरी। अबे जूम तो अच्छा फ्रंट पे जूम नहीं होगा, यहाँ पे देखो पढ़ लेते हो उल्टा है भुवनेश्वरी माता मंदिर करके है, तो कोई दिक्कत नहीं आ सकते हो यहाँ पे। और आपको अगर दिखाना चाहो ना देख सकते हो बाजू में ये है नया रास्ता जिसको भी जाते हैं। चलो आज तक हम भी नहीं गए वहाँ, इसको रास्ता दिखा। और ये देख सकते हो भाई साहब यहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग चलती रहती है, और फाइटिंग वोटिंग करनी हो अगर ट्रेनिंग लेना हो तो आ जाना, तो आ जाना भाई साहब। अगर ये लगे किसी को जान से मारने का ना, यहाँ पे अच्छी खासी ट्रेनिंग दी आ जाती है, बंदूक भी मिल जाएगा बट उसके लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, तो फिलहाल में सही है। देख सकते हो जो कि यहाँ पे है कैंप का जो है स्टार्टिंग का आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे नॉट जो है अलाउ कर जाता है, यहाँ पे आपको जो वन विभाग का ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे पालन करें, कैसे मारा जाए एंड कैसे कंट्रोल करें। तो भैया ये इसके आगे प्रवेश वर्जित नहीं है, लेकिन हमें फिर भी रास्ता है, आप जा सकते हो लेकिन अंदर नहीं जा सकते, बाहर से देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई अभी शेर दिख नहीं रहा है, शेर जब दिखेगा तो हम आपको गलू वैसे अभी यहाँ पे कोई शेर दिख नहीं रहा, जब शेर दिखेगा तब आपको मिस कॉल कर देंगे, आप आके मिल सकते हो। मेड इन जापान वाला शेर दिखेगा, हाँ ऊपर जा सकते हो। देखो ऊपर ऊपर से आंटी लोग आ रही है, ब्लैक डोगरा क्या है, ब्लैक डोंगरा जो भी है। तो यहाँ देख सकते हो कैंप वालों के लिए ट्रेनिंग के लिए गड्ढे खोदे गए हैं जी, ये गोलू यादव बाइक नहीं लाने के लिए, देख लो कहाँ लगा लखनऊ वीडियो बना।
काम कर बस आराम से। सिंपल से कहता है कि आपको अगर मेट्रो के लिए भाई जो है ना बहुत ही खास है, क्योंकि अगर आपको बस के अलावा किसी और भी ट्रेवल करना चाहते हैं ना, मेट्रो आपको बेस्ट ऑप्शन पड़ जाएगा। भाई मेट्रो से चलने का हमें जाना है भाई, मेट्रो से चलना देख सकते हो ये हो गया। तो गाइस जैसे कि मेट्रो से आप लोग बाहर आएंगे तो उसके बाद आपको सामने ही न्यू दिल्ली स्टेशन देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह देख सकते हो आप लोग। तो फाइनली हम लोग पहले स्टेशन पे पहुँच के फिर बताते हैं आप लोग को। देखते तो ऐसे भी स्टेशन पे लग जाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है भाई साहब कोविड की वजह से, या तो फिर अगर आप मेन रास्ते से जाना चाहो उधर से भी जा सकते हो, लेकिन एंट्री हम ये वाला यूज़ करने वाले हैं। स्टेशन पे तो आ चुके हैं एंड हमारी गाड़ी अभी से ऑलमोस्ट एक घंटे बाद की है, तो हम तब तक तो स्टेशन पे बैठने वाले हैं प्लेटफॉर्म पे एंड आपको रिव्यू दिखाने वाले तब तक कि इसमें कितनी गाड़ियां आती हैं टोटल एंड साथ ही साथ ये गाड़ियां जाती कहां से है, कहां से कहां तक की है। तो फाइनली हम जाने वाले हैं न्यू दिल्ली टू बनारस स्पेशल। तो सिंपल से देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे शायद आने वाली है और इसमें मेंशन भी है गाड़ी नंबर जो कि हमारा है, आपको दिखा देते तो सामने आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी लगी हुई है। हमारी है न्यू दिल्ली टू वाराणसी स्पेशल, एक घंटे बाद हमारी गाड़ी है एंड प्लेटफॉर्म नंबर 14 से आपको मिल जाएगी। ये आपको नई दिल्ली वाराणसी एक्सप्रेस सुपर फास्ट ट्रेन है। तो फाइनली देखिए पैसे दे सब। इधर है स्विमिंग पूल है, देख सकते हो बाबा जी स्विमिंग पूल के अंदर रहते हैं, इधर नहा सकते हो। और बाकी
कहा नाम बोरसी में, बोरसी में आने के बाद इधर बी एस एफ कैंप में जरूर आना एक बार घूमने के लिए। आपका गोलियों से दूंगा राज स्वागत होगा, उसके बाद भेजा जाएगा भुवनेश्वरी मंदिर, और भी कंटिन्यू देखते रहिए। अभी आपको लेके चलते उसको कॉर्नर पे। बहुत जगह बोला रहता है भाई से मंदिर में फोटो लेना सख्त मना है, लेकिन सब भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तो सर हम लाइव दिखा रहे हैं भाई साहब, आप लोग आप लोग को रिक्स के लिए तूल में लिख ला ताल में बिठा रहे हैं। अच्छा ये देखो भाई साहब, ये इधर देखो ये समुद्री इलाका है, इधर से अगर बहोगे तो सीधा बी एस एम कैंप में गिरोगे। कुछ भी कर सकते हो, सब पब्लिक है यहाँ पे। देखो हवन कुंड होता है, अगर तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रहा तो आके यहाँ पे बैठ जाए। अगर आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रहा तो इधर आके बैठ जाइए, मिल जाएगा। घंटा बज गया, घंटा बजा था। तो देखो यहाँ से एक्चुअली में हुआ यूँ था कि श्री राम जी ऐसे ऐसे गए थे, यही है उनका वनवास यहीं पे था। जब हम बल्ला का दिक्कत सेटल करते ही एक स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। ओके ये लोग ऊपर से यार देखो, आपको यहाँ चढ़ना पड़ेगा ऊपर, फिर हम घूम के वहाँ जाएंगे फोटो लेके आएंगे। ठीक है ये पकड़ो। तो भाई साहब ऐसा है, सबसे बड़ा हम आपको लाइव रिव्यू दिखाने वाले हैं, इधर को पब्लिक रिव्यू ना चला था चालू है तब का। तो ऐसा है रिव्यू दोबारा देता लाइव का रुपए सबको मिल रहा है। व्हाट व्हाट दोबारा मैंने क्या बताया है। तो भैया साहब ऐसा लाइव देख सकते हो, वहाँ पे दो कैरेक्टर बोल रहा है फोटो तो देखो जी खड़े हैं। शंकर भगवान, तो अभी हम ऐसे शंकर भगवान के पास जाके फोटो खींचने वाले हैं। आइए दिखाते हैं उधर देखो सर, लेकिन उधर ज्यादा अंदर नहीं है, हम उस साइड जाएंगे ना घूमेंगे जहाँ से हम लोग चढ़े थे ना उधर से। इसको चालू करो कैमरा, देखो अंदर रूम है, अंदर ये गुफा वाला था भाई साहब, इसको थोड़ा जूम करोगे दिखाएगा कि कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरा है। तो देखो इसमें गुफा की तरफ जा रहे हैं, बाजू में भगवान भी है, अरे इसमें कुछ नहीं रहा, इधर से कोई गिरा दिया लगता है। गाय टोंडे बनने जा रहे हैं भगवान से भी ऊपर। हाँ भगवान जी से आशीर्वाद लेके आएंगे आप लोग के लिए। ये डमरू दिख रहा है, देख भाई साहब इसे ना हमने रखे जो है देख लो। तो भाई साहब ऐसा है आपको लाइव रिव्यू दिखाया करें, पानी भरा जाता है क्या? हाँ यहाँ से तब नीचे तो जाके खींचे पड़ी फोटो, तब वो करो ओके करो चला निकल जाए। देखो हम लोग वहाँ खड़े थे, वहाँ से आए हैं। तो सिंपल देख सकते हो, अभी हम थोड़ी देर पहले ही उस पहाड़ पे थे जहाँ पे दो लवंडे दिख रहे हैं, गांजा एंड गांजा फूक रहे हैं, और अभी हम लोग भाई आ चुके हैं। बस थोड़ा सा रिस्क से बचना रहेगा, उधर देखो पानी वानी है। हाँ देखो, तो यहाँ हनुमान जी के पास आ गए हैं ये इधर। तो भाई से भाई से बचा बचा के यहाँ तक तो आ गए, देख सकते हो शंकर भगवान है और वो हमारे साथ पार्टनर है गोलू पहलवान। देखे मोबाइल तो एकदम करीब से आ गए हैं शंकर भगवान के, तो बैठना। देखो भाई से कुछ कुछ अराजक तत्वों ने मूर्ति की जो है ये तोड़ दिया है, तो बता नहीं सकते, बाकी काफ़ी अच्छी खासी है। सब इधर है स्विमिंग पूल है, देख सकते हो बाबा जी स्विमिंग पूल के अंदर रहते हैं, इधर नहा सकते हो। और बाकी कहाँ नाम बोरसी में, बोरसी में आने के बाद इधर बी एस एफ कैंप में जरूर आना एक बार घूमने के लिए। आपका गोलियों से दूंगा राज स्वागत होगा, उसके बाद भेजा जाएगा भुवनेश्वरी मंदिर, और भी कंटिन्यू देखते रहिए। अभी आपको लेके चलते उसको कॉर्नर पे। बहुत जगह बोला रहता है भाई साहब मंदिर में फोटो लेना सख्त मना है, लेकिन सब भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तो सर हम लाइव दिखा रहे हैं भाई साहब, आप लोग को रिक्स के लिए तूल में लिख ला ताल में बिठा रहे हैं। अच्छा ये देखो भाई साहब, ये इधर देखो ये समुद्री इलाका है, इधर से अगर बहोगे तो सीधा बी एस एम कैंप में गिरोगे। Thank you.
कुछ भी कर सकते हो, सब पब्लिक है यहाँ पे। देखो हवन कुंड होता है, अगर आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है तो आके यहाँ पे बैठ जाए। अगर आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है तो इधर आके बैठ जाइए, मिल जाएगा। घंटा बज गया, घंटा बजा था। तो देखो यहाँ से एक्चुअली में हुआ यूँ था कि श्री राम जी ऐसे ऐसे गए थे, यही है उनका वनवास यहीं पे था। जब हम बल्ला का दिक्कत सेटल करते ही एक स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। ओके ये लोग ऊपर से यार देखो आपको यहाँ चढ़ना पड़ेगा ऊपर ना, फिर हम घूम के मार जाएंगे फोटो लेके आएंगे। ठीक है ये पकड़ो तो गई। तो भाई साहब ऐसा है, सबसे हम आपको लाइव रिव्यू दिखाने वाले हैं, इधर को पब्लिक रिव्यू ना चला था चालू है तब का। तो ऐसा है रिव्यू दोबारा देता लाइव का बोल पैसे पर मिल रहा है। व्हाट व्हाट दोबारा मैंने क्या बताया है। तो भैया साहब ऐसा लाइव देख सकते हो, वहाँ पे दो कैरेक्टर बोल रहा है फोटो तो देखो जी खड़े हैं वहाँ पर। कौन से भगवान थे वहाँ भगवान तो अभी हम ऐसे शंकर भगवान के पास जाके फोटो खींचने वाले हैं। आइए दिखाते हैं हमको उधर देखो सड़ विरास, लेकिन उधर ज़्यादा अंदर नहीं है, हम उस सड़ जाएंगे ना घूमेंगे जहाँ से हम लोग चढ़े थे ना उधर से। एक बार इसको चालू करो कैमरा, देखो अंदर रूम है अंदर। ये गुफा वाला था भाई साहब, इसको थोड़ा जूम करोगे दिखाएगा कि कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरा है। तो देखो इस गुफा की तरफ जा रहे हैं, बाजू में भगवान भी है। अरे इसमें कुछ नहीं रहा, इधर से कोई गिरा दिया लगता है। गाय टोंडे बनने जा रहे हैं भगवान से भी ऊपर। हाँ भगवान जी से आशीर्वाद लेके आएंगे आप लोग के लिए। ये डमरू दिख रहा है देख भाई साहब, इसे ना हमने रखे जो है देख लो। तो भाई साहब ऐसा है आपको लाइव रिव्यू दिखाया करें, पानी भरा जाता है क्या इधर? हाँ यहाँ से तब नीचे तो फिर जाके खींचे पड़ी फोटो तब वो करो। ओके करो चला निकल जाए। देखो हम लोग वहाँ खड़े थे वहाँ से आए हैं। हाँ तो सिंपल देख सकते हो, अभी हम थोड़ी देर पहले ही उस पहाड़ पे थे जहाँ पे दो लवंडे दिख रहे हैं गांजा एंड गांजा फूक रहे हैं, और अभी हम लोग भाई आ चुके हैं। बस थोड़ा सा रिस्क से बचना रहेगा उधर, देखो पानी वानी है। हाँ देखो तो यहाँ हनुमान जी के पास आ गए हैं ये इधर। तो भाई से बच्चा बच्चा के यहाँ तक तो आ गए, देख सकते हो शंकर भगवान है और वो हमारे साथ पार्टनर है गोलू पहलवान। देखे मोबाइल तो एकदम करीब से आ गए शंकर भगवान के, तो बैठना। देखो भाई ऐसा है कुछ कुछ अराजक तत्वों ने मूर्ति की जो है ये तोड़ दिया है, तो बता नहीं सकते, बाकी काफ़ी अच्छी खासी है। सब इधर है स्विमिंग पूल है, देख सकते हो बाबा जी स्विमिंग पूल के अंदर रहते हैं, इधर नहा सकते हो। और बाकी कहाँ नाम बोरसी में, बोरसी में आने के बाद इधर बी एस एफ कैंप में जरूर आना एक बार घूमने के लिए। आपका गोलियों से धुआं रहा स्वागत होगा, उसके बाद भेजा जाएगा भुवनेश्वरी मंदिर, उसके बाद स्वर्ग भेजा जाएगा। और भी कंटिन्यू देखते रहिए, अभी आपको लेके चलते उसको कॉर्नर पे। बहुत जगह बोला रहता है भाई से मंदिर में फोटो लेना सख्त मना है, लेकिन तब भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तो सर हम लाइव दिखा रहे हैं भाई साहब, आप लोग को रिस्क के लिए तोल में लिख लें तालमेल बिठा रहे हैं। अच्छा ये देखो भाई साहब ये इधर देखो ये समुद्री इलाका है, इधर से अगर बहोगे तो सीधा बी एस एम कैप में गिरोगे। हाँ कुछ भी कर सकते हो, सब पब्लिक है यहाँ पे। देखो हवन कुंड होता है, अगर आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है तो आके यहाँ पे बैठ जाए। अगर आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है तो इधर आके बैठ जाइए, मिल जाएगा। देखो मोर घंटा बज गया, घंटा बजा था। तो देखो यहाँ से एक्चुअली में हुआ यूँ था कि श्री राम जी ऐसे ऐसे गए थे, यही है उनका वनवास यहीं पे था। जब हम बल्ला का दिक्कत सेटल करते ही एक स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। ओके ये लोग ऊपर से यार देखो आपको यहाँ चढ़ना पड़ेगा ऊपर ना, फिर हम घूम के मार जाएंगे फोटो लेके आएंगे। ठीक है ये पकड़ो तो गिर गई।
तो भाई साहब ऐसा है हम आपको लाइव रिव्यू दिखाने वाले हैं, इधर को पब्लिक रिव्यू ना चला था चालू है तब का। तो ऐसा है रिव्यू दोबारा देखा लाइव का करो पैसे तो मिल रहा है व्हाट व्हाट दोबारा मैंने क्या बताया है। तो भैया साहब ऐसा लाइव देख सकते हो, वहाँ पे दो कैप्चर हो रहा है फोटो तो देखो जापानीज खड़े हैं वहाँ पे। कौन से भगवान थे वहाँ भगवान तो अभी हम ऐसे शंकर भगवान के पास जाके फोटो खींचने वाले हैं। आइए दिखाते हैं हमको उधर देखो सड़ भी रास्ते, लेकिन उधर ज़्यादा अंदर नहीं है, हम उस सड़ जाएंगे ना घूमेंगे जहाँ से हम लोग चढ़े थे ना उधर से। ऐसे ऊपर इसको चालू करो कैमरा, देखो अंदर रूम है अंदर, वो ये गुफा वाला था भाई साहब, इसको थोड़ा जूम करोगे दिखाएगा कि कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा अंधेरा है। तो देखो ऐसा गुफा की तरफ जा रहे हैं, बाजू में भगवान जी है, अरे इसमें कुछ नहीं है, इधर से कोई गिरा दिया लगता है। गाय टोंडे बनने जा रहे हैं भगवान से भी ऊपर, भगवान जी से आशीर्वाद लेके आएंगे आप लोग के लिए। ये डमरू दिख रहा है देख भाई साहब, इसे ना हमने रखे जो है देख लो भाई साहब, ऐसा है आपको लाइव रिव्यू दिखाया करें, इधर से पानी भरा जाता है क्या इधर? हाँ यहाँ से तब नीचे तो जाके खींचे पड़ी फोटो तब वो करो। ओके करो चलो निकल जाए, देखो हम लोग वहाँ खड़े थे वहाँ से आए हैं। हाँ तो सिंपल देख सकते हो, अभी हम थोड़ी देर पहले ही उस पहाड़ पे थे जहाँ पे दो लवंडे दिख रहे हैं गांजा एंड गांजा फूक रहे हैं, और अभी हम लोग वहाँ हम लोग भाई आ चुके हैं, बस थोड़ा सा रिस्क से बचना रहेगा उधर, देखो पानी वानी है। हाँ देखो तो यहाँ हनुमान जी के पास आ गए हैं ए इधर ए, तो भाई से वैसे हैं बच्चा बच्चा के यहाँ तक तो आ गए, देख सकते हो शंकर भगवान है और वो हमारे साथ पार्टनर है गोलू पहलवान। पैके मोबाइल तो एकदम करीब से आ गए हैं शंकर भगवान के, तो बैठना देखो भाई वैसा है कुछ कुछ अराजक तत्वों ने मूर्ति की जो है ये तोड़ दिया है तो बता नहीं सकते, बाकी काफ़ी अच्छी खासी है। सब इधर है स्विमिंग पूल है, देख सकते हो बाबा जी स्विमिंग पूल के अंदर रहते हैं, इधर नहा सकते हो। और बाकी कहाँ नाम बोरसी में, बोरसी में आने के बाद इधर बीएसएफ कैंप में जरूर आना एक बार घूमने के लिए। आपका गोलियों से दूंगा राज स्वागत होगा, उसके बाद भेजा जाएगा भुवनेश्वरी मंदिर, उसके बाद स्वर्ग भेजा जाएगा। और भी कंटिन्यू देखते रहिए, अभी आपको लेके चलते उसको कॉर्नर पे। बहुत जगह बोला रहता है भाई साहब मंदिर में फोटो लेना सख्त मना है, लेकिन तब भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तो सर हम लाइव दिखाना है भाई साहब, आप लोग को रिक्स के लिए तोल में लिख लें ताल में बिठा रहे हैं। अच्छा ये देखो भाई साहब ये इधर देखो ये समुद्री इलाका है, इधर से अगर बहोगे तो सीधा बीएसएम कैंप में गिरोगे। हाँ कुछ भी कर सकते हो, सब पब्लिश है यहाँ पे, देखो हवन कुंड होता है, अगर तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है तो आके यहाँ पे बैठ जाए, अगर आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है तो इधर आके बैठ जाइए मिल जाएगा। देखो मोर हाँ घंटा बज गया, घंटा बजा था घंटा। तो देखो यहाँ से एक्चुअली में हुआ यूँ था कि श्री राम जी ऐसे ऐसे गए थे, यही है उनका वनवास यहीं पे था, जब हम भल्ला का दिक्कत सेटल करते ही एक स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। ओके ये लोग ऊपर से आ रहे हैं, आपको यहाँ चढ़ना पड़ेगा ऊपर ना, फिर हम घूम के वहाँ जाएंगे फोटो लेके आएंगे। ठीक है ये पकड़ो तो गई। तो भाई साहब ऐसा है सबसे हम आपको लाइव रिव्यू दिखाने वाले हैं, इधर को पब्लिक रिव्यू ना चला था चालू है तब का। तो ऐसा है रिव्यू दोबारा देखा लाइव का करो पैसे तो मिल रहा है व्हाट व्हाट दोबारा मैंने क्या बताया है। तो भैया साहब ऐसा है लाइव रिव्यू देख सकते हो, वहाँ पे दो कैप्चर हो रहा है फोटो तो देखो जी अपनी खड़े हैं वहाँ पर। कौन से भगवान थे वहाँ जैपनी शंकर भगवान? तो अभी हम ऐसे शंकर भगवान के पास जाके फोटो खींचने वाले हैं, आइए दिखाते हैं हमको। उधर देखो सड़ भी रास्ते, लेकिन उधर ज़्यादा अंदर नहीं है, हम उस सड़ जाएंगे ना घूमेंगे जहाँ से हम लोग चढ़े थे ना उधर से। ऐसे एक बार इसको चालू करो कैमरा, देखो अंदर रूम है अंदर, वो ये गुफा वाला था भाई साहब, इसको थोड़ा जूम करोगे दिखाएगा कि कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा अंधेरा है। तो देखो इस गुफा की तरफ जा रहे हैं, बाजू में भगवान जी है, अरे इसमें कुछ
गाड़ी टोंडे बनने जा रहे हैं भगवान से भी ऊपर। भगवान जी से आशीर्वाद लेके आएंगे आप लोग के लिए। ये डमरू दिख रहा है देख भाई का, इतने हमने रखे हैं जो है देख लो। तो भाई साहब ऐसा है आपको लाइव रिव्यू दिखाया दे रहे हैं, इससे पानी भरा जाता है क्या? हाँ यहाँ से तब नीचे तो के जाके खींचे पड़ी फोटो तब वो करो। ओके करो चलो निकल जाए। देखो हम लोग वहाँ खड़े थे वहाँ से आए हैं। हाँ। तो सिंपल देख सकते हो अभी हम थोड़ी देर पहले ही उस पहाड़ पे थे जहाँ पे दो लवंडे दिख रहे हैं गांजा एंड गांजा फूक रहे हैं। और अभी हम लोग भाई आ चुके हैं, बस थोड़ा सा रिस्क से बचना रहेगा। उधर देखो पानी वानी है। हाँ देखो तो यहाँ हनुमान जी के पास आ गए हैं। ए इधर तो भाई से वैसे हैं बच्चा बच्चा के यहाँ तक तो आ गए हैं। देख सकते हो शंकर भगवान है और वो हमारे साथ पार्टनर है गोलू पहलवान। देखे मोबाइल तो एकदम करीब से आ गए हैं शंकर भगवान के। तो बैठना देखो भाई ऐसा है कुछ कुछ प्रजक तत्वों ने मूर्ति की जो है ये तोड़ दिया है तो बता नहीं सकते, बाकी काफ़ी अच्छी खासी है। सब इधर है स्विमिंग पूल है देख सकते हो, बाबा जी स्विमिंग पूल के अंदर रहते हैं, इधर नहा सकते हो। और बाकी कहाँ नाम बोरसी में, बोरसी में आने के बाद इधर BSF कैंप में जरूर आना एक बार घूमने के लिए। आपका गोलियों से दूंगा राज स्वागत होगा, उसके बाद भेजा जाएगा भुवनेश्वरी मंदिर, उसके बाद स्वर्ग भेजा जाएगा। और भी कंटिन्यू देखते रहिए, अभी आपको लेके चलते उसको कॉर्नर पे। बहुत जगह बोला रहता है भाई साहब मंदिर में फोटो लेना सख्त मना है, लेकिन तब भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तो सर हम लाइव दिखा रहे हैं भाई साहब, आप लोग को रिक्स के लिए तालमेल लिख लें, तालमेल बिठा रहे हैं। अच्छा ये देखो भाई साहब ये इधर देखो ये समुद्री इलाका है, इधर से अगर बहोगे तो सीधा BSF कैंप में गिरोगे। कुछ भी कर सकते हो सब पब्लिश है यहाँ पे। देखो हवन कुंड होता है, अगर तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है तो आके यहाँ पे बैठ जाए। अगर आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है तो इधर आके बैठ जाइए मिल जाएगा। देखो मोर घंटा बज गया, घंटा बजा था घंटा। तो देखो यहाँ से एक्चुअली में हुआ यूँ था कि श्री राम जी ऐसे ऐसे गए थे, यही है उनका वनवास यहीं पे था। जब हम बल्ला का दिक्कत सेटल करते ही एक स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। ओके ये लोग ऊपर से आ रहे हैं, आपको यहाँ चढ़ना पड़ेगा ऊपर ना, फिर हम घूम के वहाँ जाएंगे फोटो लेके आएंगे। ठीक है ये पकड़ो तो गिर गई। तो भाई साहब ऐसा है सबसे हम आपको लाइव रिव्यू दिखाने वाले हैं, इधर को पब्लिक रिव्यू ना चला था चालू है तब का। तो ऐसा है रिव्यू दोबारा देखा लाइव का गुरु प्रेस को फिर करो है व्हाट व्हाट दोबारा मैंने क्या बताया है। तो भैया साहब ऐसा है लाइव रिव्यू देख सकते हो, वहां पे दो कैरेक्टर हो रहा है फोटो तो देखो जी अपन इस खड़े हैं वहां पे जापानी कौन से भगवान थे वहां है जापानी शंकर भगवान। तो अभी हम ऐसे शंकर भगवान के पास जाके फोटो खींचने वाले हैं, आइए दिखाते हैं हमको। उधर देखो सड़ भी रास्ते, लेकिन उधर ज़्यादा अंदर नहीं है, हम उस साइड जाएंगे ना घूमेंगे जहाँ से हम लोग चढ़े थे ना उधर से। इसको चालू करो कैमरा, देखो अंदर रूम है अंदर, ये गुफा वाला था भाई साहब, इसको थोड़ा जूम करोगे दिखाएगा कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा अंधेरा है। तो देखो इस गुफा की तरफ जा रहे हैं, भगवान जी है, गाय टोंडे बनने जा रहे हैं भगवान से भी ऊपर। भगवान जी से आशीर्वाद लेके आएंगे आप लोग के लिए। ये डमरू दिख रहा है देख भाई का, इतने हमने रखे हैं जो है देख लो। तो भाई साहब ऐसा है आपको लाइव रिव्यू दिखाया दे रहे हैं, इधर से पानी भरा जाता है क्या? हाँ यहाँ से तब नीचे तो के जाके खींचे पड़ी फोटो तब वो करो। ओके करो चलो निकल जाए। देखो हम लोग वहाँ खड़े थे वहाँ से आए हैं। हाँ। तो सिंपल देख सकते हो अभी हम थोड़ी देर पहले ही उस पहाड़ पे थे जहाँ पे दो लवंडे दिख रहे हैं गांजा एंड गांजा फूक रहे हैं। और अभी हम लोग भाई आ चुके हैं, बस थोड़ा सा रिस्क से बचना रहेगा। उधर देखो पानी वानी है। हाँ देखो तो यहाँ हनुमान जी के पास आ गए हैं। ए इधर तो भाई से वैसे हैं बच्चा बच्चा के यहाँ तक तो आ गए हैं। देख सकते हो शंकर भगवान है और वो हमारे साथ पार्टनर है गोलू पहलवान।
एक ही मोबाइल तो एकदम करीब से आ गए शंकर भगवान के। तो बैठना देखो भाई ऐसा है कुछ कुछ अराजक तत्वों ने मूर्ति की जो है ये तोड़ दिया है, तो बता नहीं सकते, बाकी काफ़ी अच्छी खासी है। सब इधर है स्विमिंग पूल है, देख सकते हो बाबा जी स्विमिंग पूल के अंदर रहते हैं, इधर नहा सकते हो। और बाकी कहाँ नाम बोरसी में, बोरसी में आने के बाद इधर बी एस एफ कैंप में जरूर आना एक बार घूमने के लिए। आपका गोलियों से धुआं धार स्वागत होगा, उसके बाद भेजा जाएगा भुवनेश्वरी मंदिर, और भी कंटिन्यू देखते रहिए। अभी आपको लेके चलते उसको कॉर्नर पे। बहुत जगह बोला रहता है भाई से मंदिर में फोटो लेना सख्त मना है, लेकिन सब भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तो सर हम लाइव दिखा रहे हैं भाई साहब, आप लोग आप लोग को रिक्स के लिए तूल में लिख ले तालमेल बिठा रहे हैं। अच्छा ये देखो भाई साहब ये इधर देखो ये समुद्री इलाका है, इधर से अगर बहोगे तो सीधा बी एस एम कैंप में गिरोगे। हाँ कुछ भी कर सकते हो, सब पब्लिश है यहाँ पे। देखो हवन कुंड होता है, अगर तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रहा तो आके यहाँ पे बैठ जाए, अगर आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रहा तो इधर आके बैठ जाइए मिल जाएगा। हाँ घंटा बज गया, तो देखो यहाँ से एक्चुअली में हुआ यूँ था कि श्री राम जी ऐसे ऐसे गए थे, यही है उनका बनवास यहीं पे था। जब हम बल्ला का दिक्कत सेटल करते ही एक स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। ये लोग ऊपर से यार देखो आपको यहाँ चढ़ना पड़ेगा ऊपर ना, फिर हम घूम के मार जाएंगे फोटो लेके आएंगे। ठीक है ये पकड़ो, तो बाइक गिरे तो भाई साहब ऐसा है सबसे बड़ा हम आपको लाइव रिव्यू दिखाने वाले हैं, इधर को पब्लिक रिव्यू ना चला था चालू है तब का। तो ऐसा है रिव्यू दोबारा देता लाइव का बोल पे सबको फिल कर रहा है व्हाट व्हाट दोबारा मैंने क्या बताया है तो भैया साहब ऐसा लाइव देख सकते हो। वहाँ पे दो कैरेक्टर बोल रहा है फोटो तो देखो जी खड़े हैं वहाँ पे भगवान शंकर भगवान के पास जाके फोटो खींचने वाले हैं। आइए दिखाते हैं उधर देखो सर, लेकिन उधर ज्यादा अंदर नहीं है, हम उस साइड जाएंगे ना घूमेंगे जहाँ से हम लोग चढ़े थे ना उधर से। इसको चालू करो कैमरा, देखो अंदर रूम है, ये गुफा वाला था भाई साहब, इसको थोड़ा जूम करोगे दिखाएगा कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा अंधेरा है। तो देखो इसमें गुफा की तरफ जा रहे हैं, बाजू में भगवान भी है, गिरा दिया लगता है। गाय टोंडे बनने जा रहे हैं भगवान से भी ऊपर। हाँ भगवान जी से आशीर्वाद लेके आएंगे आप लोग के लिए। ये डमरू दिख रहा है देख भाई साहब, इसे ना हमने रखे जो है देख लो। तो भाई साहब ऐसा है आपको लाइव रिव्यू दिखाया करें, पानी भरा जाता है क्या? हाँ यहाँ से तब नीचे तो जाके खींचे पड़ी फोटो, तब वो करो क्या करो चला निकल जाए। देखो हम लोग वहाँ खड़े थे वहाँ से आए हैं। तो सिंपल देख सकते हो, अभी हम थोड़ी देर पहले ही उस पहाड़ पे थे जहाँ पे दो लवंडे दिख रहे हैं गांजा एंड गांजा फूक रहे हैं, और अभी हम लोग भाई आ चुके हैं, बस थोड़ा सा रिस्क से बचना रहेगा। उधर देखो पानी वानी है, हाँ देखो। तो यहाँ हनुमान जी के पास आ गए हैं ये इधर, तो भाई से भाई से बचा बचा के यहाँ तक तो आ गए, देख सकते हो शंकर भगवान है और वो हमारे साथ पार्टनर है गोलू पहलवान। एक ही मोबाइल तो एकदम करीब से आ गए शंकर भगवान के। तो बैठना देखो भाई ऐसा है कुछ कुछ अराजक तत्वों ने मूर्ति की जो है ये तोड़ दिया है, तो बता नहीं सकते, बाकी काफ़ी अच्छी खासी है।